नमस्ते, राजेश बेदी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं बादल आप सभी धर्म प्राइम जनता को नमन करता हूं। मैं प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे, आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके दामन में खुशियां यूं ही बनी रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह भगवान परशुराम जी के ऐसे किस्सों के बारे में है जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा। आओ आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हम शुरुआत परशुराम जी के जन्म से करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, कन्नौज के राजा गादी की एक सुकन्या थी जिनका नाम सत्यवती था और उनका विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि से होता है। तो जब सत्यवती अपने ससुर जी से आशीर्वाद लेने जाती हैं, तो वह अपने ससुर जी को खुश देखकर उनसे एक वरदान मांगती हैं। वह वरदान में यह मांगती हैं कि उन्हें व उनकी माता को एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो इस पर भृगु ऋषि खुश होकर अपनी पुत्र वधु को दो चरु पात्र देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ और तुम पुत्र की कामना कर, स्नान कर। तुम्हारी माँ पुत्र की कामना करके पीपल का आलिंगन करे और इस चरु का सेवन करे, और तुम उल्लर का आलिंगन कर इस चरु का सेवन करना, तो तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यह सब जाकर सत्यवती अपनी माँ को बता देती है। और सत्यवती की जो माँ होती है वह सोचती है कि भृगु ऋषि जी ने अपनी पुत्र वधु को एक उत्तम संतान देने वाला चरु दिया होगा, इसलिए वह उन दोनों चरु को आपस में बदल देती है और वह दोनों इसका सेवन भी कर लेती है। जब भृगु ऋषि अपने योग साधना कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी योग की शक्ति से यह पता चलता है कि माँ ने सत्यवती के साथ छल किया है और दोनों चरु को आपस में बदल दिया है। इस पर क्रोधित होकर वे अपनी पुत्र वधु को बुलाते हैं और उन्हें यह सारी घटना के बारे में बताते हैं और इसी के साथ वह कहते हैं कि अब तुम दोनों ने इसका सेवन कर लिया है जिसके कारण तुम्हारी जो संतान होगी वह ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माँ की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती अपने ससुर जी से कहती हैं कि मेरा जो पुत्र हो वह ब्राह्मण जैसा ही आचरण करे, जबकि चाहे मेरा जो पुत्र हो वह ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय जैसा आचरण करे। तो इस पर भृगु ऋषि कहते हैं एवं मस्तु, जैसा तुम चाहो। तो सत्यवती जमदाग्नि ऋषि को जन्म देती हैं और जिनका बड़े होकर विवाह रेणुका से होता है। रेणुका के 5 पुत्र होते हैं, रुकुमवान, सुखेन, वसु, विश्वानस व परशुराम। दोस्तों, परशुराम जी का जन्म हिंदू मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी पर विशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि परशुराम जी का नाम परशुराम कैसे पड़ा। कथा इस प्रकार है कि परशुराम जी को उनके माता पिता बचपन में राम कहकर पुकारते थे। राम को उनके पिता जमदाग्नि ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने का हुक्म दिया। तो अपने पिता की आज्ञा मानकर भगवान परशुराम हिमालय पर जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं, जिनसे प्रसन्न होकर
भगवान शिव उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और असुरों का नाश करने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि राम बहुत ही बलवान थे इसीलिए वह असुरों का नाश कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें फिर से दर्शन देते हैं और उन्हें परशुराम का एक शस्त्र भेंट देते हैं। दोस्तों तभी से ही परशुराम जी का नाम राम से परशुराम पड़ा। कथा यह भी परशुराम जी के बारे में एक यह कथा भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी माता का सिर काटा था। तो एक बार जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे होते हैं और उन्हें यज्ञ के लिए नदी के जल की आवश्यकता होती है, तो वह रेणुका से कहते हैं कि वह नदी से जाकर जल लाए। परंतु रेणुका जब जाती हैं तब वह नदी में स्नान कर रही कुछ अप्सराओं को देखती हैं। उन्हें देखने में वह व्यस्त हो जाती हैं, जिसके कारण जो यज्ञ का समय है वह बीत जाता है और पानी लाने में भी देरी हो जाती है। इस पर क्रोधित होकर जमदग्नि ऋषि अपनी योग की दृष्टि से देखते हैं कि रेणुका को जल लाने में देरी क्यों हुई। तो वह अपने चारों पुत्रों को आदेश देते हैं कि वह अपनी माता का सिर काटकर मुझे ला कर दे। परंतु माता प्रेम के चलते वह ऐसा नहीं कर पाते। तभी परशुराम जी का वहां आना होता है और परशुराम जी उनके पिता अपनी माता वे अपने चारों भाइयों का सिर काटने को कहते हैं। तो परशुराम जी ऐसा ही करते हैं। उनके पिता उनसे खुश होकर उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। तो इस पर परशुराम जी यह वरदान मांगते हैं कि उनकी माता वे चारों भाई फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना के बारे में याद न रहे। दोस्तों परशुराम जी ने इस धरती के कल्याण के लिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, उनका संहार किया था। दोस्तों कथा इस प्रकार है कि एक बार है वंशा अधिपति कार्तिक वीर अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आते हैं और उस समय जमदग्नि ऋषि योग कर रहे होते हैं। उनका जो राजा आते हैं उनका बहुत ही सत्कार किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। तो वह सोचते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो उन्हें यह पता चलता है कि इसके पीछे का कारण, इस आदर सत्कार के पीछे का कारण कामधेनु गाय है, एक इच्छाधारी कामधेनु गाय। हाँ दोस्तों जमदग्नि ऋषि के पास एक इच्छाधारी कामधेनु गाय थी। तो उन राजा के मन में, सहस्र भाव के मन में लालच आ जाता है और वह बिना बताए, बिना किसी को बताए उस कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाते हैं। और जब भगवान परशुराम आश्रम में आते हैं उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और इस पर सहस्र भाव उन्हें युद्ध के लिए ललकारता है। तो दोस्तों जब युद्ध बहुत घमासान होता है और उस युद्ध में भगवान परशुराम सहस्र भाव की 100 भुजाएं काट कर उसका वध कर देते हैं। जब इस घटना का पता सहस्र भाव के पुत्रों को चलता है तब वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जमदग्नि ऋषि वह परशुराम जी की माता का वध कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह इस पूरी धरती से है वंश का विनाश कर देंगे। और जैसा उन्होंने किया भी, वह हर युद्ध में मात्र गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है भगवान परशुराम ने ऐसा घमासान संहार किया कि उन्होंने इस धरती पर 5 सरोवर रक्त से भर दिए। क्योंकि यह जन संहार था तो ऋचि ऋषि ने भगवान परशुराम जी से यह विनती की कि वह इस जन संहार को रोकें। दोस्तों एक बार भगवान परशुराम
अपने भगवान शिव से मिलने कैलाश पर जाते हैं। तो वहां भगवान शिव अपनी समाधि लगाए बैठे होते हैं और उनके पुत्र यानी गणेश जी पहरा दे रहे होते हैं। परशुराम जी गणेश जी से कहते हैं कि मुझे मेरे भगवान शिव से मिलना है और मुझे अभी ही मिलना है। तो इस पर चूंकि भगवान शिव भक्ति कर रहे होते हैं, समाधि लगाए बैठे होते हैं, इसलिए गणेश जी उन्हें आज्ञा नहीं देते, जिसके कारण गणेश जी व परशुराम जी में घमासान युद्ध हो जाता है और भगवान परशुराम के फरसे के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट जाता है। तभी से हम भगवान गणेश को, गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। दोस्तों ये कहा जाता है कि गणेश जी ने उसी टूटे हुए दांत से महाभारत लिखी थी। दोस्तों जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामलीला में रामायण में एक देखने का दृश्य है, जब परशुराम और राम आमने सामने होते हैं तब क्या होता है। दोस्तों कथा इस प्रकार है कि भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर समाधि लगाए बैठे होते हैं और इधर माता सीता का स्वयंवर चल रहा होता है। भगवान राम जैसे ही भगवान शिव का धनुष का चिल्ला चढ़ाते समय, उसकी प्रत्यंजा चढ़ाते समय उनसे यह जो धनुष है वह टूट जाता है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि भगवान परशुराम जी की समाधि टूट जाती है और उन्हें यह पता चल जाता है कि वह उनके आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज है। तो वह अपनी आवागमन की शक्ति, हाँ दोस्तों परशुराम जी के पास उनके पास आवागमन की शक्ति थी, यानी वह जो भी सोचते थे उन्हें, मान लो आज महेंद्र पर्वत से कैलाश जाना है तो वह मात्र सोचने से ही कैलाश पहुंच जाते थे। तो वह उस शक्ति का प्रयोग कर महेंद्र पर्वत से महाराजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां पर लक्ष्मण व परशुराम का संवाद जो है वह विवाद में बदल जाता है और बीच में भगवान श्री राम आकर इस विवाद को शांत करते हैं। और जो परशुराम जी हैं उन्हें यह यकीन नहीं होता कि भगवान राम ने ही परशुराम जी का यह जो धनुष है, जो भगवान शिव का धनुष है, यह तोड़ा है। तो वह शिव के धनुष के ही समान एक शक्तिशाली धनुष देते हैं और उसी प्रत्यंजा चढ़ाने को कहते हैं और कमान करने का आदेश देते हैं। जब भगवान श्री राम उसकी प्रत्यंजा चढ़ाकर कमान करते हैं तो भगवान परशुराम को यह यकीन हो जाता है कि जो भगवान राम है वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। तो वह क्षमा याचना करके महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वे साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही कुछ रोचक कहानियां लेकर, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर, कुछ प्रेरणादायक कहानियां लेकर आपसे इसी चैनल के माध्यम से रूबरू होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।